आओ रे दगड़िया। भाई हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और देखो तो ये मेरे को बकरी के रही है। प्यारी होती है बकरी, बकरी को खा देते हैं सो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छी हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है अराउंड 11:45। आई नो आज व्लॉग नया और भी ज़्यादा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि पता सुबह से काम वगैरह करने में लग गई थी, ऊपर से मम्मा को भी मनाना था, तो मैंने सोचा फटाफट सारे काम निपटाते हैं। और आज क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे हैं तो मम्मी को भी पटा दी थी मैं थोड़ा बहुत। और आज हमारा जो ड्राइव का ग्रुप है वो फिर से मिलने वाला है। बीच में मुझसे किसी ने कहा था कि आप दिव्या और शीतल के साथ व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं, तो उनकी जो शिकायतें हैं आज वो भी पूरी हो जाएंगी। तो और हाँ, आज हमारे साथ एक मेंबर और जुड़ा है, तो उसको तो मैं आपको रास्ते में ही मिलाऊंगी। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं मैं अभी नहीं बता रही, आगे व्लॉग में देखिएगा आप, ठीक है? और व्लॉग को एंड तक पूरा देखिएगा, रोज छोड़ दे तो आप आधा देखकर। सो गाइस, अभी हम शिखर के पास हैं, शीतल दिव्या आ चुकी हैं। हाय तो बोलो। हाय। पता नहीं हमें नाम बोली किसी की डिमांड, दिव्या और शीतल के साथ आजकल आप व्लॉग भी बना रहे हो घर के, कोई था वो मुझे भी नहीं पता। हमारे अरे फिर पेपर वगैरह हो गए तब हम लोग मिल नहीं पाए। और हमारी एक सदस्य अभी तक पहुंची नहीं है, वो स्कूटी लेकर आगे तक गई है, अभी मिलती है फिर उसको निकाल दिया। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं कोसी में, कहीं तो हम जा रहे हैं, अभी एग्जैक्ट हमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम निकल चुके हैं अपने सफर में, रास्ते में है। और ये आगे से हमारी महिमा जिसके साथ बैठी है शीतल। बाय बाय। अरे अभी हम गाइड के बाइक भी कह रहे हैं। के रहा कोई मंदिर माता का, ये चली गई आगे। ये रही कोसी नदी। अभी यहां से क्लियर शॉट आ नहीं पा रहा है, बाद में दिखाते हैं आपको। मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता है कितने आ गए, तो मैं पूछने जा रही थी। हाँ तो जाओ पूछ, जाओ पूछने जाओ। अभी हम लोग जा रहे हैं गुलदार वैली, लेकिन हमें से किसी को भी रास्ता नहीं पता है। ये दिव्या जगह जगह जाकर सबसे पूछ रही है, अरे तो क्या करूँ, जाना है ना। चलो जा पूछ कर आ। अभी इस जगह हम पहले पूछ चुके हैं। अरे यार गूगल मैप भी कर लेते हैं हम। हमें रास्ता बिल्कुल नहीं पता है, हमने कितने सारे लोगों से पूछ लिया है और अब हम फाइनली किसी भैया को कॉल लगा रहे हैं। लेकिन गाइस, शीतल गूगल मैप्स चेक करके बता रही, लेकिन हमें इसको विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे को तो है विश्वास शीतल पे, इसको विश्वास नहीं हो रहा। मुझे शीतल पे नहीं, मुझे मैप पे भरोसा नहीं हो रहा। कहने का दूसरा रास्ता निकल गया। तो शिवानी अभी किसी को कॉल करके पूछ रही है एक बार कौन से रूट से हो रही वो, तो आपसे महिमा मिलती है। फिर फाइनली हम लोग चल दिए हैं, जल्दी चला। अब आपको दिखाते हैं। ये है फाइनली हम पहुंच गए हैं गुलदार वैली। ये है गुलदार वैली,
हाँ ये रही लोकेशन, हम यहाँ से अंदर जाएंगे, महिमा लोग का वेट कर रहे हैं, बस वो आते हैं। गाइस हम लोग कब का यहाँ पहुँच चुके हैं और ये लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं, ये आ गए, हाँ पहुँच गए बोल रही है। इतना बड़ा गुलदार वैली का बोर्ड देख के भी शीतल का रिएक्शन। गाइस फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, इतनी जगह पूछ पाछने के बाद हम फाइनली पहुँच गए हैं। सो पहले आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। शिवानी के कहना है पहले हम नीचे जाते हैं, पहले मजे करते हैं, फिर खाएंगे पिएंगे। नीचे इतनी प्यारी सी नदी जा रही है, हाय कितना प्यारा लग रहा है। ओ भाई आराम से, वहीं अभी गई थी, मेरे इसके बैग के अंदर डाला थी, तो मुंह के बाल गिनने वाली थी मैं। ये सब इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनको इकट्ठा कर रहे हैं। ये भी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है यार, आओ रे दगड़िया। ये सीता मैया की खोज पे निकले हैं। वही कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना गाइस, मोटे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, अगली बार ढोकाने का बनाते हैं। हाँ ढोकाने भी चलेंगे यार कभी, ढोकाने अभी तक नहीं गई हूँ, एक चिता ही जागेश्वर मैं गई हूँ, लेकिन जब मैं छोटी छोटी थी तब गई हूँ। मैं भी हम लोग का क्या, हमेशा हमें कैंट बुला लेती क्योंकि इसके घर के पास रहता है, और फिर शीतल और मुझे भागना पड़ता है, और क्योंकि एक तो चिता ही जाना, एक तो एंटिटी जाना, ये चिताई वाली होती है, ये एंटिटी वाली होती है। और मैं मेरे तो घर पे बगल में दो चार कदम चलने होते हैं, बस कैंट आ जाता है। फाइनली हम पता है बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि हम लोग ऐसे आए हैं, मजा आया, बहुत मजा आया। स्पीड में आ रही थी, साइकिल चल रही थी हमारी, मैं आज बहुत स्लो चला कर आ रही थी। मैं बहुत कम लाई हूँ यार मेन रोड पे गाड़ी, तब से मुझे डर सी लगती है। तू रुक, तू चला, तेरे को फिर बताऊंगी। अभी तो ये मेरे को कह रही है ना, इसको मैं पानी दूंगी, मैं सीखूंगी। प्रो राइडर तो वही कर रही हूँ, प्रो राइडर चलाते ही प्रो बन जाएगी। इसकी इतनी लंबी बातचीत चल रही है ना अपनी मम्मी के साथ, इतनी लंबी बातचीत कौन करता है रे। तो गाइस शिवानी की वार्तालाप पूरी हो चुकी है उसकी ईजा के साथ, और उन्होंने अपना जो कीमती समय है हमारे लिए निकाला है। आप फ्री हैं आप? हाँ मैं हूँ फ्री। बात का टोन देख रहे हो उसका, हाँ मैं फ्री हूँ, चेंज हो गया भाई, आप ऐसे नहीं हो, बताओ पता चल रहा है। हाँ मैं फ्री हूँ, अब बताओ क्वेश्चन है मुझसे, कोई क्वेश्चन? हाँ तो उनका इंटरव्यू लो रहे, चलो बहुत हो गया इंटरव्यू, जैसे पहचानते ही नहीं तुम लोग मुझे। नहीं पहचान गया, कौन बन के मैं देखते यार, सासुमा का नाम बताओ, ससुर जी का नाम बताओ। नहीं यार मेरे सास ससुर कोई नहीं, बस हो गया मुझे इतना ही ले, मैं बहुत ही स्मार्ट आ रही बस इतनी बहुत ही स्मार्ट आ रही मैं टेन नंबर। ओ यार चीची कितने गंदी लग रही है मैं तेरी अली क्लासेस में, मेरे को बता बता, अच्छी लग रही थी दिव्या बहुत ही, मैं कितनी पगली सी लग रही थी किसमें, तेरे फेस पे ज्यादा बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा ना बहुत। इनका चल रहा है यहाँ पे फोटो शूट, वो भी फोन दे रही है, ऐसा मत करना ओके, थोड़ा होल्ड करना ओके। अभी देखो ये महिमा का पोज है, चल रहा है फोटोशूट, बाकी ये लोग फोटोशूट कर रहे हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस लोकेशन पे आने के बाद, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स वाली जो फीलिंग है ना वो आ रही पूरी।
मजा आ रहा है यार, ग्लासेस अच्छे लग रहे हैं, लग रहे मेरे पे। मैं बहुत कम पहनती हूँ, आज भी लाना भूल गई, हमारी लैला का है। लैला इधर है तो आ, तेरे से अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, करा दिया, नहीं कराया यार। सो गाइस, ये हमारी शिवानी है, स्कूल फ्रेंड है, हम इसको लैला बोलते हैं प्यार से, जो सोने में ना वो ढहला ढहला है, तो उसको हम लैला लैला बोलते हैं। गाइस, इनसे आप मिल चुके हैं, ये तो हमारी गोलगप्पा है, और हम चलते हैं शीतल के पास, आज इनका अलग से इंट्रोडक्शन चल रहा है। सो गाइस, ये हमारी शीतल है, हमारे ग्रुप की सबसे टॉल गर्ल, अल्मोड़ा की भी यार, पता बहुत कम है अल्मोड़ा में इतने टॉल टॉल से लोग। इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है गाइस, और इससे पहले मैंने आपको यहाँ का व्यू दिखाया था, कितना अमेजिंग लग रहा था ना। अभी थोड़ा सा फोटोशूट करते हैं, अभी रील बनानी है, देन उसके बाद ऊपर को चलेंगे। सो गाइस, हमें नदी में आए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट पर। अब दिखाती हूँ हम कितनी ऊंची चोटी चढ़कर जा रहे हैं आप सभी को। लेट्स गो। ये हमारा भालू जा रहा है, ये हमारी जिराव जा रही है, सबसे पीछे से आ रही है बकरी, उच्चो में बकरी, बुरी औरत, तेरे को मैं भालू से कुछ और बना दूंगी। हाँ लगी ना, जली ना, जली ना। मैंने कितना प्यारा नाम दिया तेरे को भालू, और देखो तो ये मेरे को बकरी कह रही है, मैं बकरी लगती हूँ आपको, कितनी प्यारी होती है बकरी, बकरी को खा देते हैं सब। देखो ऊपर से और सुंदर लग रहा ना नीचे। गाइस, अभी हम लोग यहाँ जो ऊपर इनका रेस्टोरेंट था वही आए हुए हैं, लोकेशन बहुत प्यारी है, और जो यहाँ का डेकोरेशन है बहुत सुंदर, लेकिन जो यहाँ की प्राइस है ना सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा हाई है। फिलहाल के लिए हम यहाँ सिर्फ चाय पी रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे बजट के बाहर है। ठीक है, हम आगे कहीं खाएंगे, बजट हटा दिया इन्होंने हमारा, और है भी कुछ नहीं, सब नॉनवेज में पड़ा है। और हाँ, वैसे भी सिर्फ बर्गर है, और बर्गर वैसे भी हमें वैसे किसी को उतना खास पसंद नहीं है, तो सिर्फ अभी हम चाय पी रहे हैं, खाएंगे आगे बाद में कुछ नहीं। मैं मेरी ये ऑर्डर तक नहीं दे पा रही, चार चाय बोलनी, चार चाय भी नहीं बोल पा रही है। अभी हम लोग यहाँ से आगे हैं, हमने चाय मंगाई, चाय थी नहीं, उसके बाद कॉफ़ी भी, और मतलब जितनी भी चीज़ें थी ना सारी नॉन वेज थी, मतलब मूड खराब हो गया आपको अभी हमारा खाने के मामले में, तो इतनी दूर आए थे यहाँ। बट ये है कि लोकेशन बहुत प्यारी है, अगर तुम्हें फोटो शूट वगैरह करना है इसलिए बेस्ट है। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, आगे ही कहीं कुछ खाएंगे, हमने रील्स भी नहीं बनाई, नेट नहीं चला था, हाँ इसी ने ही कहा था। गाइस, अभी मैं महिमा के साथ बैठ गई हूँ, अभी तक मैं थी उसके साथ में, आगे गुंजन के साथ। अब देखते हैं हम गाना गाते हुए चलते हैं, मतलब
की धजिया उड़ गई है। सो गाइज अभी हम अल्मोड़ा पहुंच गए, हमारी जो मेन अल्मोड़ा है जो हम रोज घूमते रहते हैं, और अभी हम आए हैं अल्मोड़ा दरबार पे। तुम्हें चीज दिखाती है दिव्या का दोस्त, ये है हमारे रुवाली का दोस्त। देखो दिव्या आपका दोस्त बुला रहा है, जाओ उसको हग कर कराओ, जाओ जल्दी जाओ, गो हग करो उसको। अभी हमने जो ऑर्डर किया था वो सारी चीजें आ गई हैं, और अभी हम फटाफट से खाते, पता इतनी भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं, घर से खा कर निकले थे हम, और सुबह सीधे यहीं आए हैं, तो फटाफट से ये स्टार्ट करते हैं खाना पीना। ठीक है ये लो गाइस, मेरे दोस्त चॉकलेट लाए हैं लेकिन ये नहीं लाई है, बहुत गंदी है। ओ लैला वाओ, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट्स है सारी की सारी, डार्क चॉकलेट है ना। हाँ थैंक यू। अभी मुझे पार्टी लेंगे यार तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है बहुत दिक्कत हो रही, क्यों लाई तो लाई थी, पहले खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर पे। अभी हम पहुंच गए हैं घर, ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा लेट हो गई है। मैं घर पहुंच गई हूं और मेरी आवाज सुनकर आप सभी को लग भी रहा होगा, देखो अभी से मेरा गला बैठना शुरू हो गया है, मम्मी इतनी डांट लगा रही है ना कि तुम पानी में इतना खेलना ज्यादा जरूरी था क्या तुम्हारा करके। तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो तबीयत खराब होती रहती है, और अब बनाती हूँ मैं चाय थोड़ा सा गले को ठीक करने के लिए, और ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई है, आपने इन्जॉय किया हो, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।